ताजा तरीन सच्ची और प्रमाणिक खबरों के लिए अभी सब्सक्राइब करें NS Now। नमस्कार, NS Now देख रहे हैं आप। और उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र का आगाज हो गया है, जिसमें विपक्षी दल सरकार को विभिन्न मुद्दों को लेकर घेर रहे हैं। उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा है उत्तर प्रदेश के प्रसिद्ध विद्यालयों में कार्य करने वाले रसोइयों का, जिन्हें वर्तमान में 2000 रुपये का अल्प मानदेय मिलता है। और इसी मुद्दे को विपक्षी दलों ने आज विधानसभा में उठाया। विपक्षी दल के एक नेता ने विधानसभा में इस मुद्दे को उठाते हुए कहा कि रसोइया जो गांव के प्राइमरी विद्यालयों में बच्चों के लिए मिड डे मील भोजन बनाने का काम करते हैं, उन्हें मात्र 2000 रुपये का मानदेय मिलता है। उनका मानदेय बढ़ाए जाने की मांग विपक्षी दल के नेता ने की। तो आप भी सुनिए कि आखिर रसोइयों के संबंध में विपक्षी दल के नेता द्वारा सरकार से क्या मांग की जाएगा। और आखिरी की जो हमारी रसोइयां हैं उनको मानवर केवल 2000 रुपये मिलता है, और वो भी जो प्राथमिक विद्यालयों में जो गरीब हैं, विधवा हैं, असहाय हैं, उनको रसोइयों के पद पर रखा जाता है, उनका मानदेय बढ़ाया जाए।